all religion are equal, all religion cannot be equal. पहले तो define करना पड़ेगा कि बाकी religion की definition क्या है, are those man-made or not. अगर सारे religion की definition आपकी एक चीज़ बोलती है तो फिर तो इंसानों के बनाए हुई चीज़ें हैं जो कहते हैं कि नहीं हिंदुज़्म अच्छा है, क्रिश्चियनिटी अच्छा है, इस्लाम अच्छा है. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो बेहतर सिस्टम है, जो दीन है, वो इस्लाम है और कोई हो ही नहीं सकता. दूसरे गैर मुस्लिम को समझाने में, लॉजिकल रीजनिंग में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, अदरवाइज़ जो मोमिन है, जिनको स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जो अपनी लॉजिकल रीजनिंग की तरफ से इस्लाम की तरफ आए हैं देख कर, यस आई एम फिट, आई एम कन्विंस्ड, तो उनको तो पता है ना कि एक एनर्जी है, एक अल्लाह है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो उस हिसाब से सोचे. तो अब बाकी रिलीजन के बारे में, कोई प्रैक्टिसिंग रिलीजन नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा उसको प्रैक्टिस मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ठीक है. बाकी रिलीजन में आप देखोगे सबसे पहला जो चीज़ है वो शिर्क है, ठीक है ना, एसोसिएट पार्टनर्स विद द गॉड. हम अल्लाह के अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते. ये हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं जब हमने पहले बात करी थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है ना. ये सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की नज़र में. और ये गुनाह क्यों है, शिर्क करना गुनाह इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अपनी डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात को शिर्क बना लोगे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे जाओगे, तो तुम मेरी रहमत की रहमत से परे हो जाओगे, तुम मेरे ऊपर ईमान लाओगे नहीं. अब हम देख सकते हैं जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदुज़्म में हैं, जो बुतों को पूजते हैं, वो सब पूजते हैं. अब कहने को तो उनके लिए सब भगवान हैं, उनके यहाँ पर करोड़ों भगवान हैं, ठीक है ना. तो मानने को तो वो अल्लाह को भी भगवान मान सकते थे ना कि हाँ चलो ये सब भी भगवान हैं और तुम्हारे जो अल्लाह हैं वो भी हमारे भगवान हैं, हैं. लेकिन नहीं, सारे भगवान को मान लेंगे, वो उन चीज़ों पर यकीन कर लेंगे जो उनके हाथों से खुद बनाई हुई है, उनको खुदा बना लेंगे वो, लेकिन अल्लाह को नहीं बनाते हैं. कि इंसान अपना वजूद खो देता है, अपना बिल्कुल ही मतलब अपनी इमेज खो देता है दुनिया में भी और आखिरत में, तो वैसे भी रुसवा होना है. तो शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है. इसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके थे लॉजिकल रीजनिंग में कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो नहीं सकता. तो हम क्यों किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ या दुनियावी चीज़ को के आगे कैसे सर झुका सकते हैं, कैसे उनसे मान सकते हैं. इट्स इलॉजिकली फाइन. क्रिश्चियनिटी में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस, मैं तो नहीं कहूँगा जितना मैंने स्टडी किया है, बट जहाँ तक हमने देखा गया है कि वो जीसस को गॉड मानते हैं, सन ऑफ गॉड मानते हैं, गॉड द फादर, गॉड द होली स्पिरिट, गॉड द सन, थ्री एंड इक्वल. बड़ा आज तक समझ में नहीं आया कि ये है क्या, कोई समझ में आएगा भी नहीं बिकॉज इट्स अ मैन मेड. वी डोंट हैव एनी बाइबल जो अल्लाह की तरफ से इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल की गई थी, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो ऑल्टर्ड हो चुकी है, मैनिपुलेट हो चुकी है. तो देर आर लॉट्स ऑफ बाइबल, देर लॉट्स ऑफ बुक्स जिसमें पॉल नाम का एक शख्स जो है जिसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है इस्लामिक व्यू में, और आप जाके पढ़ सकते हो, आप देख भी सकते.